हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सभी का एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों आज का इस वीडियो में व्हाट्सएप का गर्मा गर्म 5 लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। नॉट अपकमिंग, इसमें से एक दो अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है एंड बाकी जो अपडेट है अपकमिंग है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। अपडेट नंबर 1, सबसे पहला अपडेट बात कर लेते हैं व्हाट्सएप पोल का ऊपर। दोस्तों बहुत दिन से डिस्कस चल रहा था, इवन अभी भी डिस्कस चल रहा है कि व्हाट्सएप पोल का ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया फीचर देखने के लिए मिलेगा जो होगा व्हाट्सएप पोल। पोल का माध्यम से क्या होगा आपको पता होगा, अगर आपने इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। आप अपनी ऑडियंस से कुछ मैसेज का राय ले सकते हैं जिसको कहते हैं व्हाट्सएप पोल। तो इसका ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ, चलिए आप लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर पूरा डिटेल्स में समझ सकते हैं। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 2 जो है। दोस्तों व्हाट्सएप का कमाल का अपडेट है, इवन मेरे को तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। ये अपडेट इतना दिन से नहीं था बोल के हम लोग कितना ना कुछ किया। नॉर्मल जो व्हाट्सएप है, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप, उसको छोड़ के हम लोग थर्ड पार्टी व्हाट्सएप को यूज़ करने लगा या क्या क्या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने लगा। अपडेट ये था कि हम लोग ऑनलाइन पे रहेगा, किसी से भी बात करेगा, बट दूसरा किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देना चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन पर है बोल के। पहले से था, आप चाहो तो अपनी लास्ट सीन जो ऑप्शन है उसको आप छुपा सकते थे, लेकिन ऑनलाइन स्टेटस को नहीं बंद कर सकते थे। बट इसका ऊपर इसका जो प्रॉब्लम है अभी स्टार्ट आउट हो चुका है। व्हाट्सएप वाला एक नया अपडेट लॉन्च किया है जिसका माध्यम से अभी आप चाहो तो आपकी ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं, कोई भी आपका ऑनलाइन स्टेटस देख नहीं सकते। लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट है फिलहाल कुछ चुने हुए बीटा टेस्टर के लिए सीमित है, अभी सभी नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर के लिए अवेलेबल नहीं किया है। इसका ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ कि ये फीचर कैसे काम करते हैं। चलिए आप लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। अब इससे बात कर ले व्हाट्सएप का तीसरा नंबर अपडेट। दोस्तों तीसरा नंबर अपडेट व्हाट्सएप बैकअप के ऊपर आ चुका है। जैसे हम लोग अपना व्हाट्सएप को रिस्टार्ट करते अपना डिवाइस में या कोई दूसरा डिवाइस हम लोग लॉग इन करने के लिए जाते थे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे नंबर वगैरह ओटीपी वगैरह दे देने के बाद वहां पे एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलता था जो था रिस्टोर। बट अभी शायद रिस्टोर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहां पे आपको इंपोर्ट बोल के मिलेगा एंड ऊपर में लिखा रहेगा इंपोर्ट ए बैकअप। इसका फायदा क्या है, मैंने इसका ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ। इसका फायदा ये है, जैसे हम लोग पहले रिस्टोर करते थे उसके लिए हम लोगों को वाईफाई कनेक्शन का जरूरत होता था, बट अभी इंपोर्ट या बैकअप में क्या होगा, अगर आपने इंपोर्ट लेके रखते हो और बैकअप लेके रखते हो अपनी स्टोरेज में, तो कोई भी इंटरनेट का कोई भी वाईफाई का जरूरत नहीं होगा, आप अपनी स्टोरेज से डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये था दोस्तों व्हाट्सएप बैकअप के ऊपर तीसरा अपडेट है। तो अभी आप कॉमेंट करके बोलिए ये अपडेट क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं व्हाट्सएप का चौथा नंबर अपडेट जो है व्हाट्सएप एडिट मैसेज। दोस्तों बहुत दिन से भी इसका ऊपर बातचीत चल रहा था कि हम लोग जब किसी को एक मैसेज सेंड कर देते हैं उसके बाद हम लोग सोचने लगते हैं भाई हम कुछ गलत मैसेज सेंड कर दिया, तो चलिए उस टाइम में हम लोग उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन के लिए अप्लाई करते हैं, डिलीट कर देते हैं, हम तो डिलीट कर देते हैं, बट जो दूसरा बंदा है जिसको हम लोग भेजे थे उनका मन में डाउट आ जाता है, भाई क्या भेजा था, डिलीट क्यों कर दिया, अगर भेजना ही था तो डिलीट क्यों किया, ये सब मन में उनका सवाल आता था। बट उस डाउट को क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप ने क्या किया, अभी से आप चाहो तो जो मैसेज आपने सेंड कर दिया उस मैसेज को भी आप एडिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट है अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, अभी तक रोल आउट नहीं किया है, रिलीज नहीं किया है। व्हाट्सएप का लास्ट एंड पांचवा नंबर अपडेट जो बहुत कमाल का अपडेट मेरे को लगा, आप सुनने के बाद देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। ये अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ चुका है। जैसे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बहुत सारा लोग रहते हैं तो बहुत सारा मैसेज वगैरह आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो बहुत पुराना मैसेज हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम लोग ऐसे स्क्रॉल करते रहते थे व्हाट्सएप मैसेज ढूंढने के लिए बहुत पुराना। बट वो प्रॉब्लम से छुटकर अभी मिल जाएगा व्हाट्सएप ने, वहाँ पे कैलेंडर वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा आगे चल के, ये भी अंडर डेवलपमेंट में है, अभी तक रोल आउट नहीं किया है। तो कैलेंडर में आप सिलेक्ट करके आप पर्टिकुलर डेट, महीना, ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो अभी से 6 महीना पहले का मैसेज देखने का कोई एक पर्टिकुलर डेट का, तो वो डेट को लिखिए, महीना लिखिए, साल लिखिए, उसके बाद हमें सर्च कीजिए तो पर्टिकुलर उस डेट का जितना सारा मैसेज है सब यहाँ पे शो हो जाएगा, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं कैलेंडर अपडेट, या कह सकते हैं
व्हाट्सएप मैसेज सर्च बाय डेट भी कह सकते हैं। इसका ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ, बोले तो टोटल जो जितना सारा अपडेट मैंने बताया ना सभी का ऊपर मैंने एक एक करके डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में समझने के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ। अभी आपका पाल, आप कमेंट करके बोलिए ये जो पाँचों अपडेट मैंने बता चुका हूँ, ये पाँचों अपडेट में से कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, एंड कौन सा अपडेट आपको अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करके बताइए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार विजिट कर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।